ठीक है बच्चा तो ये अब उस विच का तीसरा प्रॉब्लम है ऑर्डरिंग आगे पीछे हो सकती है बट ये थर्ड क्वेश्चन था विच वॉज द री ओरियनटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसके करस्पॉन्डिंग कितना वर्क करना पड़ेगा सो तो जैसा कि आप इसके क्वेश्चन के लैंग्वेज में देख रहे हो कि कंडीशंस क्या हैं ये जो वन टू थ्री है ये तीन इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं डाइपोल वन डाइपोल टू और डाइपोल थ्री इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तीनों डायपोल्स अभी बिल्कुल पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शंस में हैं मतलब तीनों के पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हैं तीनों के नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हैं सेपरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो सेपरेशन वन और टू के बीच का है उतना ही सेपरेशन टू और थ्री के बीच में भी है ये इनिशियल कंडीशन हैं और इन इनिशियल कंडीशनस पर इस पूरे सिस्टम का जो एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन है एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन वो हमें नॉट दे रखा है दैट एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन नॉट है जब ये तीनों डाईपोल्स बिल्कुल सेम डायरेक्शंस में हैं और एक दूसरे के पैरल है अब मेन पार्ट कहां पे आता है यहां से कि नाउ वन ऑफ द एंड डायपोल्स एंड डाइपोल्स कौन से हैं एंड डाइपोल्स या तो वन है या तो थ्री है इनमें से किसी एक को अगर आप रिवर्स कर दो ग्रेजुअली रिवर्स कर दो तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या वर्क करेंगे मतलब जो कुलंब फोर्स है वो क्या वर्क करेगा सो कंसेप्ट क्या होगा इसका जानते हो कंसेप्ट ये है आपको वर्क बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है राइट right? जो कि नेचर में कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स का निकालना चाहते हो जो कि नेचर में कंजर्वेटिव फोर्स है तो याद करते हैं वर्क ऑफ एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज अ माइनस टाइम्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच मीन्स द वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ये क्वेश्चन बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का हुआ और अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी ही फाइंड आउट करनी है तो एक बार ज़रा ध्यान से देखो कि मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डायपोल्स के केसेस में तो मैं एक अपना रिजल्ट याद करूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी याद करो तो इट इज़ माइनस पी वैक्टर डॉट ई वैक्टर तो अगर आप वो भी इंटरेक्शन एनर्जी की बात हो रही है सो तो ये इंटरेक्शन एनर्जी ही है तो जब हम इंटरेक्शन वन एंड टू का लेंगे देखो एनर्जी अगर आप इनिशियल वाली बात करोगे इनिशियल एनर्जी तो ये होगा इंटरेक्शन बिटवीन वन टू इंटरेक्शन बिटवीन टू थ्री एंड द इंटरेक्शन बिटवीन वन थ्री जब आप वन और टू का इंटरेक्शन लोगे तो सपोज करो जो डाइपोल टू है उसका डाइपोल मोमेंट आप लिखोगे कुछ डाइपोल टू का डाइपोल मोमेंट बिकॉज माइनस पी डॉट ही लगाओगे इट इज़ माइनस पी डाइपोल मोमेंट सबके बराबर होंगे बिकॉज ये सारे आइडेंटिकल डाइपोल्स हैं यहाँ पे दे रखा है और जब वन और टू का इंटरेक्शन होगा और अगर हमें इसका डायपोल मोमेंट कंसिडर कर रहा हूँ तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल वन की ली जाएगी तो जब इसका डायपोल मोमेंट पी हमने कंसिडर कर लिया और इस डायपोल का अगर इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपको लेनी पड़ेगी और इस डायपोल की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ आएगी ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द डाइपोल के आर्टिकल में देख चुके हैं अगर ये डायपोल है तो ये अपने से परपेंडिकुलर किसी डिस्टेंस पर यानी यहाँ पर अपने डायपोल मोमेंट के अपोजिट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा के पी ओवर आर क्यूब तो अगर ये डिस्टेंस आर मान लेते हैं तो जब हम यहाँ पर रखेंगे ना इसकी वैल्यू तो माइनस पी इसका डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय डाइपोल वन की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो वो है के टाइम्स पी अपॉन आर क्यूब बट ये डॉट प्रोडक्ट भी है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से हम जब ओपन करेंगे तो कॉस थीटा भी आएगा यानी इन दोनों के बीच का एंगल आएगा तो इसका डाइपोल मोमेंट और फर्स्ट डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट है सो डॉट प्रोडक्ट के एक्सपेंशन में जो कॉस थीटा होगा वो हमारे लिए कॉस वन एटी डिग्री होगा ऐसा कुछ होगा प्लस सेम आर्ग्यूमेंट टू और थ्री लगाओ तो टू और थ्री भी सिमिलर हैं जैसे वन टू हैं वैसे ही टू और थ्री भी हैं तो सेम आंसर आ जाएगा यानी कि माइनस पी इसको ब्रैकेट पर लिख लेते हैं माइनस पी इंटू के पी बाय आर क्यूब कॉस वन एटी डिग्री अब आप थोड़ा तो सा अलर्ट रखो जब डाइपोल वन थ्री की बात करोगे वन एंड थ्री में तो वन और थ्री के बीच में ये जो सेपरेशन आर है उसकी जगह टू आर लिखना पड़ेगा आपको सेपरेशन वहाँ पर टू आर हो गया यानी वहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा वन थ्री के एनर्जी में वो होगा माइनस पी के पी और यहाँ पर टू आर का क्यूब यानी कि एट आर क्यूब और वो कॉस ऑफ वन एटी डिग्री अब कॉस वन एटी डिग्री यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको तो मैं उसकी जगह माइनस वन कर दे रहा हूँ दैट इज़ कॉस वन एटी डिग्री की वैल्यू और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इस पूरी एनर्जी को यूनॉट मान लिया गया दिस इज़ यूनोट ये एनर्जी नॉट है अब एक डायपोल जब रिवर्स हो जाएगा मान लो डायपोल थ्री रिवर्स किया हमने ठीक है ना सपोज दैट डायपोल थ्री को रिवर्स कर देते हैं तो लेट डायपोल थ्री रिवर्स हुआ तो अब आप ये बताओ डायपोल थ्री से एसोसिएटेड फैक्टर कौन से हैं आपके डायपोल थ्री से लिंक ये फैक्टर है और डाइपोल थ्री से लिंक ये वाला फैक्टर है यहां तो डाइपोल वन का यूज नहीं हो रहा है तो जब डाइपोल थ्री से ये दो फैक्टर लिंक है तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी और यहाँ पे जो एनर्जी आएगी उसका साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज जब डाइपोल को रिवर्स कर देंगे तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो चेंज कर जाएगा ना अगर जहाँ पर नेगेटिव था वहाँ पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि तो अगर आप वैक्टर पी का डायरेक्शन पलट दोगे तो कॉस वन डिग्री की बजाय कॉस जीरो करना पड़ेगा आपको तो जब आप डाइपोल थ्री को रिवर्स कर देंगे तो जो हमारी फ़ाइनल एनर्जी होगी पहला टर्म उतना ही रहेगा इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा सो इट इज़ माइनस पी इंटू के इंटू पी बाय आर क्यूब और वो कॉस वन एटी की वजह से ये प्लस हो जाएगा जो हमारा ये टर्म और ये टर्म है इनके साइन पलट जाएंगे तो इधर ध्यान रखना कॉस वन एटी माइनस वन और एक माइनस यहाँ पर यानी यहाँ पर पूरा पॉजिटिव आंसर है अब इसका आंसर माइनस में हो जाएगा माइनस के पी स्क्वायर बाई आर क्यूब और यहाँ पर भी साइन चेंज कर देते हैं तो ये माइनस और ये माइनस मिल करके ऑलरेडी प्लस है साइन चेंज होने के बाद ये फिर माइनस हो जाएगा तो माइनस के पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट आर क्यूब ये आपका फाइनल आंसर है अब आपको करना क्या होगा जानते हो आपको ये करना होगा कि ये यू नॉट है और ये यू फाइनल है आप इनको डिवाइड कर दो इनको डिवाइड करके आपको रेशियो मिल जाएगा है ना इनको डिवाइड करके रेशियो मिल जाएगा यानी कि आप ये निकाल सकते हो कि यू फाइनल और U नॉट के बीच क्या रिलेशन है और जब आपको ये रिलेशन मिल जाएगा ना तो आप एक काम करना आप जो यहाँ पर U इनिशियल है बिकॉज आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपको निकालना है तो इट इज़ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल यू इनिशियल आपको पता है कि नॉट है और यू फाइनल इन दोनों को डिवाइड करने के बाद इन टर्म्स ऑफ नॉट मिल जाएगा आपको ये मैं नहीं कर रहा आप करिएगा इसको इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देना आ जाएगा आंसर और इसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आएगा एटीन डिवाइडेड बाय 17 टाइम्स नॉट यही इस क्वेश्चन का आंसर था एटीन डिवाइडेड बाई सेवेंटीन नॉट ठीक है सो तो उसको ट्राई करना तीनों क्विज मैंने डिस्कस कर दी हैं अगर फिर भी दिक्कत होती है तो एज़ यूजल आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा मुझे